एंड चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. नाउ लेट्स टॉक द डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एज यू नो वेरी वेल कि जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे. इससे पहले आपने करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी. और जो ये डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने है, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं. तो ध्यान रहे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालिए, इंटेंसिटी निकालिए, इंटेंसिटी, या फिर आ जाता है कई बार मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालिए. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी यहां से ही बनेगी, ठीक है, ओके. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड को ही बोलते हैं. तो ये सारे के सारे नाम एक ही के हैं, हम ज्यादा फोकस रखते हैं इसके ऊपर. अगर बाय चांस ये पूछ लेता है एग्जाम में तो मे बी आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो. तो यहाँ पे डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे हम. डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो थे बायो सेवरेट. नाम उसका यहां पर लिख रहा हूं मैं, बायो सेवरेट लॉ. क्या बताया था इसने, इसने फाइंड आउट करना सिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल सकते हो आप करंट कैरिंग कंडक्टर से. वो भी कौन सा कंडक्टर, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो यहां पर आपको ये डायग्राम समझने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी. ये डायग्राम किसी भी, ये लेंथ ले सकते हो आप, इसमें स्टेट लेंथ ले सकते हो, जितनी मर्जी लंबी ले सकते हो. उसके बाद इसने क्या करा, इसमें से करंट पास किया, करंट आई पास हो रहा है यहां से. और करंट पास होने के बाद यू नो वेरी वेल अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो जाता है. और कैसे, ये रूल मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कैसे. हाँ, अपना राइट हैंड का थंब लीजिए, उसको क्या करिए, यस, अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ करंट आप सेट करिए. आफ्टर दैट यू हैव टू कर्ल योर फिंगर्स. तो यहां से आप देख सकते हो कि इस साइड जो फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रही है और यहां से क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है. तो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइड मिलने वाला है, ठीक है. तो आप इसको नोट कर लीजिए कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड. इनवर्ड के लिए कौन सा साइन होता है बताइए बेटा, इनवर्ड के लिए डॉट या क्रॉस, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स, सर क्रॉस. वेरी गुड. तो यहां पर क्रॉस लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, क्रॉस. ये इनवर्ड को शो करेगा, पक्का, यस सर, ठीक है. और आउटवर्ड, आउटवर्ड को डॉट से. कई बार क्या होता है कि आप लेक्चर लेते हो, कहीं और भी ले सकते हो, देखो बेटा कहीं और भी पढ़ सकते हो. तो ये तो था राइट हैंड रूल, ठीक है, थंब रूल, जिसमें आपने क्या करा, इस तरह से पढ़ लिया कि ये इजी रूल है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप, यही अप्लाई करना. लेकिन कई बार स्क्रू रूल से भी बता देते हैं इसको, किसको कैसे बता देते हैं, स्क्रू रूल से. स्क्रू रूल समझना हल्का सा, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है अगर आप इमेजिनेशन रखते हो तो. कैसे, कि आप यहां पर स्क्रू को लगाइए, किसको लगाइए, स्क्रू को. सपोज ये स्क्रू है, ठीक है, आप इस स्क्रू को क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो. अगर ऐसे घुमाओगे तो ही ये क्या होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा स्क्रू, यस और नो, इस डायरेक्शन में ऐसे घुमाओगे तो. और अगर आप ऐसे घुमा रहे हो इसको, तो जो इसका रोटेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, और जो इसका मोशन है, स्क्रू कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो एक तरह से वो क्या दिखाएगा, यस, डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर देता है, और जो इसका रोटेशन है वो किसको शो कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड को. तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो. बस इसमें ध्यान ये रखना होता है, जो आपका स्क्रू है वो करंट की डायरेक्शन में जाना चाहिए, और तो फिर उसका रोटेशन क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप इसको इस तरह से देखो घुमा रहे हैं, तो ये इस तरफ जा रहा है,
और जो इसका ये घूमना है ये क्या कर रहा है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की एंट्री हो रही है, मतलब इनवर्ड जा रहा है और इस तरफ से आउटवर्ड हो रहा है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया, कई बार बुक्स में होता है कि वो से स्क्रू रूल से क्या कर रखा होता है इसको, यस एक्सप्लेन कर रखा होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि ये स्क्रू रूल कैसे लगा दिया उसने। मैक्सवेल स्क्रू रूल बोलते हैं इसको। तो दोबारा से हम अपने आर्टिकल पर आते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आउटवर्ड का आपको पता लग गया, जिसको नहीं पता था उसको दोबारा से बता दिया गया ये। तो यहां पर करंट, यू नो वेरी वेल करंट चल रहा है इस वायर में से, कितनी लंबी वायर है हमें नहीं पता इसके बारे में कोई भी इसका, आपको इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है ये पता है, आप इधर भी निकाल सकते हो इधर भी निकाल सकते हो, तो कोई ना कोई आप पॉइंट कंसीडर कर लीजिए इसमें। तो हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया सपोज पी, पी पॉइंट आपने क्या कर लिया यहां पर सपोज कर लिया, और उसके बाद जो इस कंडक्टर की लेंथ है अब उसको ले लीजिए कितनी है, वो लेंथ आपने इसकी ले ली एल, कि भाई एल लेंथ का ये कंडक्टर था जिसमें से करंट आई पास हो रहा था। ये जो बायो सेवरेट लॉ है ये आपका जैसे गॉस लॉ वगैरह वगैरह थे ना उसमें, इसी तरह से काम करेगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इसके आर्टिकल बनेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी बच्चा इसको कर रहा है बहुत ध्यान से करे, समझ के करे, क्योंकि यही वो चीजें है जो सीबीएसई एग्जाम को क्रैक करती है। तो ये लेंथ एल हो गई, बायो सेवरेट लॉ ने क्या क्या कहा था वो देखिए। उसने कहा कि भाई मैं पूरी लेंथ के लिए एक साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकता, नहीं निकल रहा था उसपे, तो उसने थोड़ा सा लेंथ लेकर, स्मॉल एलिमेंट लेंथ लेकर क्या करा था, इस लॉ को वेरीफाई किया था। कैसे, डीएल लेंथ ले ली उसने पूरे लेंथ में से, लेकिन यू नो वेरी वेल लेंथ छोटी लो या बड़ी लो करंट तो आ ही जाएगा सारे में से, तो डीएल लेंथ आपने एल की जगह पर डीएल को लेना है, और इस पॉइंट पर इस डीएल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है, या फिर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया तो वो मैग्नेटिक फील्ड बी यानी कि पूरी लेंथ के लिए नहीं मिलेगा, तो यहां पर एक तरह से आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो बायो सेवरेट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड देता है वो फुल मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा, किसके लिए देगा, स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद ये देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, स्ट्रेट नहीं लिया, परपेंडिकुलर नहीं लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज उसने आर ले लिया, क्या ले लिया आर, इस पॉइंट को नाम दे दो आप ओ। उसके बाद ये जो एंगल है इसको आप लेंगे थीटा, क्या पता कितने एंगल पे आपने ले रखा है, वायर यहां पर थी आपने उस पॉइंट पर लेना है इस एलिमेंट से, या फिर यहां पे थी यहां पे लेना है, तो कोई ना कोई एंगल तो बनेगा, तो वो आपने ले लिया। लेकिन एक चीज और आपके सामने है कि ये पॉइंट इस वायर से कितना दूर है, ऐसे आप इसकी दूर या डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे। अगर आपको ये पता करना है कि ये पॉइंट इस वायर से कितना दूर है तो उसके लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू को आप सपोज कर लो ए। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि हमने कोई कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ एल है, उसमें से करंट आई पास हो रहा है, और पूरी लेंथ के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल लेंगे, बायो सेवरेट लॉ ने सिर्फ स्मॉल एलिमेंट लेंथ के लिए कहा था, तो डीएल ले लिया, लेकिन वो डीएल उस पॉइंट पी से कितने दूर है, आर दूर है, और उससे एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो वो लगा दिया, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का उस वायर से कितना है ए, और क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी लेंथ के लिए नहीं मिलने वाला है, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट हियर डीबी, डायरेक्शन आपके सामने है इसकी और डीबी, और ये आप क्या करोगे वेक्टर फॉर्म में लोगे, इसमें लोगे वेक्टर फॉर्म में, डीबी वेक्टर आपको यहाँ पे निकालना है, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, आप इस तरह से ले सकते हो क्योंकि इनकी डायरेक्शन बता रखी है। करंट कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो करंट की डायरेक्शन आप नहीं ले सकते, लेकिन एक चीज को ध्यान दीजिए आप, अगर ये करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है इसका, इनवर्ड, अगर ये ऊपर से नीचे जाए तो करंट, तब इसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है,
तो करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ये ओस्टेड हेनरी ने बताया था। तो अगर करंट स्केलर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन कैसे हो सकती है? तो यहां पर चक्कर पड़ गया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी समझ में आया, आपस में कैंसिल भी हो जाती थी, ये भी होगा। बट करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो रहा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन को, डायरेक्शन तो करंट की होती ही नहीं, मतलब स्केलर क्वांटिटी में आता है ये, तो वेक्टर तो होता ही नहीं, तो आप इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। लेकिन इससे इसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर इस चीज को खत्म करने के लिए बायो सेवरेट ने क्या किया, जो ये लेंथ है, इस लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी ले लिया। क्या ले लिया? वेक्टर क्वांटिटी। और जो इस लेंथ की डायरेक्शंस लेंगे वो हम करंट की डायरेक्शन में ही ले लेंगे, मतलब जो आई वेक्टर नहीं है लेकिन एल को आई की तरह ट्रीट करवा दिया इसने, ताकि उसका क्या बन सके, डीएल के साथ। देखो अब डीएल की डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर, तो डीबी क्या है, इनवर्ड। अगर डीएल ऊपर से नीचे ले लेंगे वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। तो इस तरह से ये इसके साथ रिवर्स करेगा, यानी कि आई का काम, वेक्टर क्वांटिटी का काम कौन कर रहा है, डीएल कर रहा है। तो ये देखिए यहां तक ये चीज हो चुकी है, लेकिन इसको आगे देखो, सारे के सारे कंटेंट आपको लेने पड़ेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक में। यहां पर सिर्फ आप इतना ही समझेंगे बायो सेवरेट लॉ ने कैसे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करा, कैसे निकाला। तो सबसे पहले द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर वायर में करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगा। करंट की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आफ्टर दैट सेकंड, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ। जितनी लंबी लेंथ लोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी छोटी लेंथ कर दोगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड, आई हो गया, डीएल हो गया, ठीक है, उसके बाद ये एंगल, अगर ये बिल्कुल इसके सामने रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, यानी परपेंडिकुलर। और अगर एंगल बढ़ता चला गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, और सॉरी घटता चला गया 90, 80, 70, 0, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल देखो इसमें भी आ गया, मुस्कान ने पूछा था ये प्रीवियस लेक्चर में, साइन ही क्यों, जब एंगल के साथ साथ हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तब आप साइन लोगे, और जब एंगल के साथ घटती हुई चली जाएगी तब भी आप साइन लोगे। तो यहां पे बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा साइन थीटा के साथ। नेक्स्ट, डीबी आईडीएल साइन थीटा, ये हो चुका है। बट अगर इसका डिस्टेंस बढ़ता चला गया इस वायर से, ये देखिए बढ़ता चला गया ये, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, कम होगा, डायरेक्टली होगा, इनवर्सली होगा, बताइए मेरे को। इनवर्सली होगा। वेरी गुड। आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर हम दूर जाते चले जाएंगे तो इनवर्सली होगा, तो ये बात भी इसने बताई थी बायो सेवरेट लॉ में। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से, 1, 2, 3, 4, दीज फोर थिंग्स आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल for the magnetic field at point P, but due to small element, question क्या पता वो CBSE ऐसे ही बना दे आपके लिए कि बायो सेवरेट लॉ कौन सी लेंथ के लिए काम करता है, कितनी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, तो आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रॉम देयर DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin theta upon R square, this is the relation in front of you by बायो सेवरेट लॉ, which find the magnetic field at a point from a current carrying state wire. कोई भी current carrying conductor है उसके पास, उससे दूर, ठीक है, उसके आसपास कहीं भी point हो, उसके ऊपर magnetic field ये calculate कर सकता है। Now DB is equal to this proportion sign, इसको हटा दीजिए आप, और इसको हटाकर constant लगाना होता है, एक step बचा रहे हैं, k लिखते, k के बाद इसको लिखते, तो आपने direct लिख दिया mu not अपॉन 4 पाई। नई टर्म आपके लिए, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इधर भी ये क्या हो गया, नई टर्म आ गई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई।
और ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसके बारे में अगर आप अभी ज्यादा ध्यान ना दे अभी, तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा आगे अगर पॉइंट्स करोगे तो इसके बारे में आपको ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा। फिर भी इसका नाम तो बताना ही पड़ेगा, म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्या है? कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 10^-7। यूनिट क्या होंगे इसके? यूनिट आप निकाल सकते हो इसके? चलो यूनिट निकाल के देखते हैं। यू नो दिस फॉर्मूला, डीबी के यूनिट क्या होंगे? टेस्ला। म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू फोर पाई के होते नहीं है, म्यू नॉट के आपको यूनिट निकालने। आई एम्पियर, डीएल मीटर, साइन थीटा के 9 यूनिट, और नीचे आर स्केयर है तो आर के क्या होंगे? मीटर स्केयर। मीटर से एक स्केयर कैंसल, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू नॉट इज इक्वल टू टी एम अपॉन ए, यानी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो आप इसको लिखेंगे टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। वेबर की फॉर्म में और गॉस की फॉर्म में भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने ये सारे बता रखे हैं इन सब के अंदर क्या रिलेशन है। करना चाहते हो लिख दूं दोबारा से? वेबर पर मीटर स्क्वायर, यही होती है 1 टेस्ला 1 वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 गॉस क्या होता है? इस तरह से। तो आप इसको इनमें कन्वर्ट कर सकते हो, टेस्ला की जगह पर आप क्या कर सकते हो? यस, इनमें से कुछ भी लगा सकते हो, टेस्ला में लगाइए, वेबर में लगाइए, या गॉस में आंसर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इसमें से कुछ पूछना है तो बेटा कम फॉरवर्ड और मेरे से पूछ लीजिए आप, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हरी अब सर, एक बार ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² वो एक्सप्लेन करते हैं। 1/r² सिंपल सी बात है बेटा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, सपोज ये रहा करंट कैरिंग कंडक्टर, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, एक रोड ले ली थी, करंट आई उसमें से फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता था? मैग्नेटिक फील्ड आ जाता था ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, यू नो वेरी वेल। और उसके अंदर मैंने आपको बता भी दिया था कि अगर ऐसे जाएगा तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम, यहाँ पर इनवर्ड जाएगा वो और इस साइड आउटवर्ड, ये भी बता दिया था। ये जो डिस्टेंस होते हैं, ये रेडियस, इन सर्कल के जो रेडियस होते हैं, यही है एक तरह से, ये मतलब ये एक तरह से इस पॉइंट का, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, इस वायर से क्या हो रहा है, डिस्टेंस को ही तो दिखा रहा है। चलो ये मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये भी है तो डिस्टेंस ही। अगर ये पॉइंट यहां पर चला जाए तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या इस केस में? इसमें, क्योंकि ये वायर के पास है, जितना ज्यादा दूर होता जाएगा मतलब आर की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ये क्या होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जैसे इसी पे अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड इधर ज्यादा होगा या इधर, B1 और B2 में से ग्रेटर कौन, तो आप कहोगे B1। कैसे? जबकि कंडक्टर तो दोनों के लिए सेम ही है, करंट भी सेम है, सिर्फ किसका फर्क पड़ा है, इसका वायर के साथ डिस्टेंस का फर्क पड़ा है, उसके बीच का गैप का फर्क पड़ा है। हो गया ये? नाउ क्लियर? मैं ये रब दिस, रब कर दो इसको। इसके बाद मैं इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में आपको बता रहा हूं। चलो रफ करने से पहले मैं इसकी वेक्टर फॉर्म को एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था वेक्टर फॉर्म से अगर आप करोगे तो फिजिक्स में थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगी, लेकिन हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की वैल्यू भी मिल जाती है। ये देखिए म्यू नॉट अपॉन फोर पाई फार्मूला बार बार आपके सामने आना चाहिए, ये बार बार लिखना आपको मुंह पे रट जाना चाहिए। हियर डीएल इज देयर, दैट्स व्हाई डीबी इज देयर, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द स्केलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? स्केलर फॉर्म।
अब आप इसको क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे? डीबी वेक्टर बना दिया, तो इसको भी वेक्टर बनाइए आप। कैसे बनाएंगे वेक्टर? वेक्टर में क्या है, ये साइन थीटा, साइन थीटा को हटाकर आप क्रॉस लगाते हो, आपको पता है। डीएल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर बना सकते हो आप। लेकिन आई क्या है? स्केलर, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो मैं ले नहीं सकता, तो मैं क्या कर रहा हूं देखिए ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। आपने इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया और आर से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, आई को इधर रखिए क्योंकि आई तो स्केलर क्वांटिटी है, बचे डीएल आर साइन थीटा। तो आप इसको डीएल क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर स्केयर इंटू आर आर क्यूब, इस तरह से लिख सकते हो। आर भी क्या है? वेक्टर में है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हो, किसको? डीबी को। नाउ दिस इज वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी ये? वेक्टर फॉर्म। अब इस वेक्टर फॉर्म का मतलब फिर दोबारा से समझिए, क्योंकि आपने पहले पढ़ा था मेरे से, फोर्स ऑन अ चार्ज व्हेन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसको दो तरीकों से लिख सकते थे, दिस इज स्केलर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म। वी क्रॉस बी दोनों वेक्टर थे, वेक्टर में वैल्यू थी, आई जे के की फॉर्म में वैल्यू होगी, क्यों तो स्केलर है, क्यों स्केलर है तभी तो आई स्केलर है। तो यहां पर दोबारा आ जाइए, वेलोसिटी और बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेक्टर क्वांटिटी थे। और दोनों वेक्टर क्वांटिटी होने से क्या होगा, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर ही आएगा। लेकिन इन दोनों में एंगल जितना मर्जी हो, सपोज इन दोनों के अंदर ये वेलोसिटी थी और ये मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में सिर्फ ये एंगल है 60 या 30 डिग्री, लेकिन इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपने लिया तो वो क्या आएगा बेटा, इनके परपेंडिकुलर हमेशा, या फिर नीचे या फिर ऊपर, वो डिपेंड करता है आई इंटू के हुआ है या के इंटू आई हुआ, माइनस प्लस की डायरेक्शन। और ये भी शायद आपको पता ही होगा, जानते होंगे आप इन चीजों को, थोड़ा सा मैं बता दूं, आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, किसके इक्वल होते हैं ये, और के क्रॉस आई किसके इक्वल होते हैं, पता है इनका? आई क्रॉस जे, बताइए जल्दी से, प्लस वन का टॉपिक है, अब जरूरत पड़ेगी ना वेक्टर में। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, के कैप, और जे क्रॉस के आई आई कैप, आई कैप, और के क्रॉस आई के कैप। अगर ये उल्टा कर दिया जाए, आई क्रॉस के कर दिया जाए तो माइनस जे कैप, माइनस जे, वेरी वेरी गुड, बस यही चीज आपको पता होनी चाहिए। तो माइनस प्लस में हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर फॉर्म में होगा। तो ये थी वेक्टर फॉर्म, जिसके अंदर आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये स्केलर और वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। बायो सेवरेट लॉ कहां पर यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, सब कुछ आपके सामने है। मैं इसको रफ कर रहा हूं और हम अपनी एप्लीकेशन पे जा रहे हैं अब। और उस एप्लीकेशन का अगर आज आप डायग्राम भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हो इस लेक्चर में तो हो ही जाएगा टॉपिक, अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे उसमें और फटाफट से आंसर दोगे। तो करते हैं बायो सेवरेट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, बायो सेवरेट लॉ। फॉर्मूला आपके सामने है, डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर, और यहां पर आप के लगा लीजिए, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू आपको पता है 10^-7। बायो सेवरेट लॉ एप्लीकेशन, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है उसकी, फर्स्ट एप्लीकेशन नोट करिए, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू अ करंट कैरिंग फाइनाइट स्टेट कंडक्टर और वायर. क्या है ये फाइनाइट स्टेट कंडक्टर? कौन सा करंट कैरी, उसके साथ आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड. यूजिंग किसका यूज करेंगे? बायोट सेवरेट लो का. तो बनाइए इसका एक डायग्राम. जिसको डायग्राम समझ में आएगा वही कैलकुलेशन कर सकता है, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम तैयार कर लेते हो तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए उन चीजों को समझना. तो ये कोई फाइनाइट वायर है. और लास्ट में मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि अभी तो मैंने फाइनाइट लिया है, फिर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट. यहां पे लिख देता हूं ताकि आप हेडिंग में ही इस चीज के ऊपर क्या करना शुरू कर देंगे, फोकस करना शुरू कर देंगे. और इस आर्टिकल से आपको मैग्नेटिक फील्ड ना सिर्फ इधर, इधर और इधर भी लेना आ जाएगा. दूसरा देखिए, ये पॉइंट दिख रहा आपको, एंड दिख रहे हैं इसके, तो कहां कहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपने नोट करना सीखना है. सबसे पहले इस साइड, कहीं भी हो सकता है, इस साइड में कहीं भी हो सकता है, इस साइड में बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल इसके नीचे इस वाली लाइन पे, और बिल्कुल इसके सामने यहां पर, बिल्कुल इसके सामने यहां पर. तो ये देखिए कितने सारे पॉइंट्स हो गए. इसको वन पॉइंट दे दो, यहां पर टू थ्री और दिस इज फोर. तो चार जगह पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना सिखा दिया जाएगा. एक तो इनके एंड के परपेंडिकुलर, एक इनके एंड के बिल्कुल लाइन पर, अलोंग दिस लाइन, वायर की ही लाइन पर मैग्नेटिक, एक इसके अराउंड. तो सारी चीजें इसी में आ जाएंगी और इससे काफी आपके न्यूमेरिकल सोल्व भी हो जाएंगे और इवन कंपटीशन लेवल के भी सोल्व हो जाएंगे. तो जो ये आर्टिकल आपको बताए जा रहे हैं बारीकी से, थोड़ा सा इन पे और ज्यादा फोकस करने की कोशिश करिए. तो ये दो एंड आपके सामने है, एक्स और वाई. इसके बाद वही करना है आपने, क्या? यस, करंट आई ले लिया आपने, करंट आई फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर ही ले लो क्योंकि सही हाथ पड़ जाता है, ऐसे ऊपर से नीचे लोगे तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ही ठीक है. ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं यहां पर. टारगेट पॉइंट क्या ले लेते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको? सपोज पी. मैंने बिल्कुल मिड में नहीं लिया इस वायर के, बिल्कुल मिड में नहीं ले रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं क्योंकि मिड में तो फिर क्या हो जाएगा, मिड में क्या हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल इस लेंथ का हाफ के ऊपर कोई हमारा क्या आएगा, फार्मूला तैयार हो जाएगा. लेकिन हम जब फार्मूला बनाते हैं वो जनरल बनाते हैं कि हम पॉइंट को कहीं भी रखें, सारी जगह पर क्या हो, हमें सिमेट्री मिले, थोड़ा सा अच्छा मिले, कि फार्मूला की हम कोई भी कंडीशन लगाए तो उसमें हमारा रिजल्ट आ जाए. तो इसकी लेंथ कितनी लेंगे आप? लेंथ, चलो लेंथ का तो पता ही नहीं है, एल लेंथ ले सकते हो आप, लेंथ की बात ही नहीं करते, एक्स वाई कंडक्टर ले लेते हैं, फाइनाइट है, इनफाइनाइट भी लेना आगे. तो इसके बाद क्या करेंगे आप, कितना डिस्टेंस है इसका कंडक्टर से? ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको क्या लेंगे, ए. ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर कोई पूछे कंडक्टर से कितनी दूर है, ऐसे, लेकिन डीएल लेंथ का उस पॉइंट से कितनी दूर है, तो वो आपको कैसे लेना पड़ेगा, मैं इसको अलग कर. तो स्टूडेंट्स देखिए, ये डीएल लेंथ ले ली है मैंने, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, और इसको आपने क्या ले लिया, आर. तो इसको डॉटेड से ना लेकर हम सॉलिड बना रहे हैं लाइन को, इसको भी आप क्या कर लो, सॉलिड बना लीजिए, क्योंकि डॉटेड लाइन लेने के लिए अभी मेरे पास और भी बहुत कुछ है. ओके, तो यहां से इसका जो ये एंगल है, इसको आप थीटा ले लो, ये आपका 90 डिग्री हो गया, और इसको आप ले लो फाइ. तीनों एंगल आ गए इस ट्रायंगल के. ठीक है, एक इस डीएल लेंथ से बता रहा है, एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बता रहा है. इसके बाद यहां पर आ जाइए, इसी पॉइंट से मैं इस पूरी वायर को तो इग्नोर नहीं कर सकता,
ठीक है, इसको ले लीजिए आप लेंथ एल, कि एल लेंथ के बाद जो ये एल लेंथ ले ली थी, एल लेंथ में से मैंने क्या कर दिया, ये डीएल ले लिया थोड़ा सा पार्ट इस ओ पॉइंट से, ओ पी ए, ये तीन पॉइंट आपके सामने। इसके बाद यहां से ही पी पॉइंट से ही आपने क्या करना है, इस एंड को देखना है, पी पॉइंट से जो ये एंड है इसका एंगल ले लीजिए आप फाइव टू, और इसी एंड से इस लास्ट वाले का एंड ले लीजिए, लेकिन ये कहां से, रेड लाइन से लेंगे आप, और इस तरह से इसको आप लेंगे फाइव वन। तो इस तरह से ये आपकी डिजाइनिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगी इस डायग्राम को लेकर, पी पॉइंट को लेकर, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, बायो सेवरेट लॉ अप्लाई करना है। यू नो वेरी वेल बायो सेवरेट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, ज्यादातर आप